मैं आपसे ये मनमुटाव दूरी नहीं मानी जाएगी। एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, राजेश जो हमारे सचिन पायलट जी हैं बहुत ही गणमान्य हैं, हमारे डिप्टी सीएम रहे हुए हैं, अब हमारे सीडब्ल्यूसी के अंदर भी आए हैं, बहुत सीनियर नेता हैं और उनकी अपनी जो है पूरी तरह से जगह है, इसमें कोई शक की बात नहीं। गहलोत साहब हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो काम करे हैं वो सबके सामने है। मेरा यहाँ पे जो मैंडेट है वो ये है कि मैं सही बात जो भी है, जो भी कार्यकर्ता जो बात कहने जा रहा है, जो वो चाहता है कि केंद्र शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचे, वो बात मैं उनके पास लेकर जाऊँगा। मैडम, जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव बना के भेजा है कि सचिन पायलट टोंक से चुनाव लड़ने चाहिए, क्या वो फाइनल है? देखो, जिला कांग्रेस कमेटी जो है वो हमारे सबसे बड़ी यहाँ पर कांग्रेस का जो है वो पदाधिकारी हैं, हमारे जो हैं अध्यक्ष जी हैं हरि प्रसाद जी बेरवा जी, तो ये लोगों की अगर ये भावना है तो वो भावना को आगे मैं करूँगी। जो भावना है, मैं आज सबकी बात सुनने के लिए आई हूँ, वो भावना को आगे निष्पक्ष तरीके से ईमानदारी के साथ वो आगे करें। अब ये तो मुझे मालूम नहीं भैया, मैं टिकटें बांटने तो आई नहीं, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। मैं केवल AICC के अंदर आपकी आवाज़, टोंक की आवाज़, जो आप लोग कह रहे हैं, जो हमारा कार्यकर्ता कह रहा है, जो मेरे से बात करके आगे पहुंचाना चाहता है, वो आवाज़ को मैं आगे लेकर जाऊँगा।